Good morning, dear friends, and greetings in the name of the Lord Jesus Christ. may this brand new day bring some new experience in your life with the Lord Jesus Christ. We pray that the Holy Spirit एंड लाइटन यू एन एंड लार्ज योर अंडरस्टैंडिंग और हमारी प्रार्थना यही है कि प्रभु पवित्र आत्मा आपका सहायता करे और आपके मनों की आंखों को खोले और आपकी समझ को बढ़ाए I would like to speak something about eternal life. और आज की सुबह मैं अनंत जीवन के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहूंगा Based on the gospel according to Saint John chapter 17 verse 3. और इस संदर्भ के लिए मैंने अपने वचन को लिया है यहोन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और तीसरा वचन Now this verse gives us a definition of a Christ gift of eternal life. और ये वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह द्वारा दिए गए अनंत जीवन की परिभाषा क्या है इटर्नल लाइफ इज मोर एन एंडलेस एक्सिस्टेंस और याद रखिए ये अनंत जीवन यहां पर ही सीमित एक जीवन नहीं है लेकिन एक ऐसा जीवन जिसका कोई अंत ही नहीं अकॉर्डिंग टू दिस वर्स इटर्नल लाइफ इज टू नो गॉड विच पॉसिबल विच इज पॉसिबल थ्रू जीसस क्राइस्ट गॉड्स सन और इस वचन के अनुसार अनंत जीवन तो ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जाने और परमेश्वर को जाने उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा गॉड इज नॉट लुकिंग टू स्पेंड इटर्निटी people पीपुल हैव नॉट टेकन टाइम टू गेट नो हिम इन दिस लाइफ और याद रखिये परमेश्वर अनंत के समय को ऐसे लोगों के संग बिताने को मौका नहीं देगा जिन्होंने इस अपने सीमित जीवन में इस पृथ्वी पर प्रभु यशु मसीह को समय नहीं दिया थ्रू फेथ एंड डिवोशन और अपने विश्वास और भक्ति के द्वारा डिवोशन टू क्राइस्ट वी कैन एक्सपीरियंस द हाइएस्ट फुलफिलमेंट इन लाइफ और याद रखिए अपने विश्वास और भक्ति के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता को अपने जीवन में एक बहुत ही बड़े स्तर पर महसूस कर सकते हैं आइए आज की सुबह हम देखें कि कैसे नया नियम में अनंत जीवन को दर्शाया गया है। और इस बारे में दो ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे नंबर 1 पहली बात Eternal लाइफ इज a प्रेजेंट reality। और याद रखिए पहली बात ये है कि अनंत जीवन वर्तमान की सच्चाई है

और इस बात पर विश्वास करता है कि मुझे भेजा गया है उसके पास वो अनंत जीवन मौजूद है एंडेम और उस पर कोई दोष नहीं लगाया जाएगा बिकॉज ही क्रॉस्ड ओवर फ्रॉम डेथ टू लाइफ क्योंकि वो मृत्यु से जीवन की ओर पार कर चुका है अगेन इन चैप्टर टेन Of John's Gospel, verses 27 and 28. और यहाँ ना रचित सुसमाचार उसका दसवां अध्याय सत्ताईसवा और अठाईसवें वचन में जी यीशु कहता है माय शीप लिसन टू माय वॉइस और मेरी भेड़े मेरी आवाज को सुनती हैं आई नो जानता हूँ And they me. और वो मेरे पीछे चलती हैं। I give them eternal life। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। And they shall never perish। और वो उनका कभी नाश ना होगा। No one can snatch them out of my hand। और उन्हें मेरे हाथों से कोई भी छीन नहीं सकता। An eternal life is something Christ's followers receive as a gift. और याद रखिए अनंत जीवन एक ऐसी बात है जो प्रभु यीशु मसीह के चेले या उसके विश्वासी एक तोहफे के रूप में ग्रहण करते हैं रोमन चैप्टर सिक्स वर्ष ट्वेंटी थ्री रोमियो की पुष्पत्री उसका अध्याय और सत्ताईस वचन फॉर द wages ऑफ sin इज डेथ बट द गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ through Jesus Christ our Lord. क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है लेकिन विश्वास के साथ जब हम यीशु पर विश्वास करते और भरोसा रखते हैं उसका परिणाम है वो अनंत जीवन ट्रू क्रिस्टियन एक्सपीरियंस इट इन पार्ट फ्रॉम द मोमेंट दे एक्सेप्ट हिस्सिवनेस फॉर सिन एंड ईल्ड देयर लाइफ

to accept Christ. लेकिन याद रखिए हम अपने अनंत जीवन को बनाए नहीं रख सकते सिर्फ भूत में या पहले जो हमने निर्णय लिया कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे उस निर्णय के आधार पर सी दैट डिसीशन अलाउस टू बिगिन एक्सपीरियंसिंग दिट्स ऑफ दिस न्यू लाइफ क्योंकि याद रखिए इस चुनाव ने तो हमारी सहायता करी कि हम शुरुआती रूप से उसके नए जीवन के आनंद का अनुभव करने पाए एंड एस वी कंटिन्यू टू ग्रो इन रिलेशनशिप विद जीसस और जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के संग एक रिश्ते में बढ़ते चले जाते हैं नाउ एक्सपीरियंसिंग इटर्नल लाइफ राइट नाउ रिक्वायर्स एन एक्टिव An ongoing faith and a deepening relationship with Christ. और उस अनंत जीवन का अनुभव करने के लिए अभी इस वर्तमान जीवन में हमें एक कार्य करने वाले और एक निरंतर ऐसा विश्वास की आवश्यकता है जो निरंतर चलता रहता है कार्यरत है with Christ. क्योंकि याद रखिए बिना प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ते के एक अनंत जीवन है ही नहीं और यह सुसमाचार ग्यारहवा अध्याय पच्चीसवा वचन से लेकर सत्ताइसवे वचन तक इस बात को बड़े सही रीति से बताया गया है this. और आइए हम इस वचन को पढ़ें। यहुन्ना रचित सुसमाचार ग्यारहवा अध्याय पच्चीसवें वचन से यीशु ने उससे कहा पुनुत्थान और जीवन मैं ही हूं जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यह वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा क्योंकि तू इस बात पर विश्वास करती है उसने उससे कहा हाँ

yes lord i believe that you are the christ the son of god who is coming into the world this, this passage makes it very clear that the one-time decision is only at the beginning of this life और ये वचन इस बात को बड़ी स्पष्ट रीति से बताता है जब आप पहली बार वो चुनाव करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का वो तो आपके अनंत जीवन की ओर वो पहला मार्ग या वो पहला चरण है सो टू फुली एक्सपीरियंस द ब्लेसिंग्स ऑफ इटर्नल लाइफ वन मस्ट कंटिन्यू द रिलेशनशिप विद क्राइस्ट और पूर्ण रीति से प्रभु यशु मसीह के अनंत जीवन का अनुभव करने के लिए एक को आवश्यकता यह है कि वो निरंतर रूप से प्रभु ये मसीह में बना रहे और चलता रहे इसलिए वो पहली बात है एंड सेकेंडली और दूसरी बात इटर्नल लाइफ इज अ फ्यूचर हो अनंत जीवन भविष्य की एक आशा है इटर्नल लाइफ इज द ग्लोरियस ऑपरचुनिटी

उस अनंत जीवन से जुड़ने के लिए उससे हम ऐसे समझ सकते हैं कि वर्तमान का जो हमारा जीवन है इसमें मृत्यु के द्वारा हम इससे आगे बढ़ जाते हैं एंड थ्रू फिजिकल डेथ और गोइंग विथ क्राइस्ट वेन ही कम्स फॉर हिज फेथफुल फॉलोअर्स At the और ये होता है शारीरिक रूप से मृत्यु आने पर या प्रभु यीशु मसीह के कलीस या उठाए जाने के समय पर जब वो आएगा कि वो अपने विश्वास योग्य लोगों को उठा ले

क्योंकि मेरे पिता के घर में कई सारे बंगले हैं अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुमको बता देता आई एम गोइंग टू प्रिफर ए प्लेस फॉर यू और मैं तो जाता हूँ की तुम्हारे लिए स्थान को तैयार कर सकू एंड जब मैं ऐसा करूँ कम्प्लीटेड इट

by the power and direction of the holy spirit यह तो निर्भर होता है कि कैसे हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण उसके मार्गदर्शन और उसके ऊपर निर्भर होते हैं so paul's letter to to the galatians और जब paul उस गलातियों में मौजूद कलीसिया को अपने पत्र लिखता है 6 verse 8 says this उसके छठे अध्याय और आठवें वचन में गलातियों की पत्री में वो कहता है the one who sows to please his sinful nature और एक जो बोता है कि वो अपने पापी मनुष्यत्व को या व्यक्तित्व को प्रसन्न करे विल रीप डिस्ट्रक्शन वो तो काटेगा विनाश को पर वन हु स्पिरिट लेकिन वो जो बोता है कि आत्मा को प्रसन्न करने पाए फ्रॉम द स्पिरिट विल रीप वो आत्मा life. के द्वारा अनंत जीवन की का की फसल को काटेगा सो माई फ्रेंड्स इसलिए मेरे मित्रों वी हैव ऑपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस इटर्नल लाइफ इन दिस लाइफ और इसलिए हमारे पास वो मौका है कि हम इस अनंत जीवन का अनुभव इस वर्तमान में कर सके एंड वी कंटिन्यू टू टू एक्सरसाइज योर फेथ इन द लिविंग क्राइस्ट वी लीड यू इन टू The eternity or eternal life with Christ forever. और जब हम ऐसा करते हैं तो ये हमारा अनंत के जीवन की ओर हमें ले जाएगा और अनंत तक हम प्रभु यीशु मसीह के संग so I want to encourage all of you. और इसलिए मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहूंगा दैट डिसीजन इज़ वेरी नेसेसरी वन टाइम इन योर लाइफ वो निर्णय लेना तो पहली बार आपके जीवन में बड़ा आवश्यक है थ्रू दैट डिसीशन यू और उस चुनाव या निर्णय के द्वारा आप उस अनंत जीवन में यात्रा में आपने प, आप, आप पहुंचे हैं बट मस्ट रिमेन एंड वॉक इन दैट न्यू लाइफ थ्रू आउट योर लाइफ लेकिन इस नए जीवन में आपको अपने पूरे जीवन में बने रहना है और इसके अनुसार चलना है ever और हमेशा बढ़ते चले जाना है And ever, uh, uh, from victory to victory. और विजय से विजय की ओर बढ़ते चले जाना है ऑवर कमिंग बाई दावर ऑफ द होली स्पिरिट और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हर एक बात पर विजय पाना है लाइफ ऑफ क्राइस्ट मस्ट कंटिन्यू टू ग्रो

धन्यवाद यीशु के नाम में आमेन आमेन एंजॉय दिस डे एंड सर्व द लॉर्ड एंड ग्लोरीफाई हिम और इस दिन का आप आनंद ले और परमेश्वर की सेवा करें और उसकी महिमा आपके जीवनों से होने पाए आमेन आमेन